ఆస్ట్రేలియాలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం ప్రాస్పెరిటీ హీ దీ హై ఇస్లియే 21వీ సదీ కి దునియా మే భీ భారత్ अपनी इस भूमिका को सशक्त करने वाला है। आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपको भी डगर डगर पे गर्व महसूस होता है कि नहीं होता है? फ्रेंड्स, जब आप भारत में हो रहे तेज बदलावों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? मुझे पक्का विश्वास है साथियों, आपका सीना भी 56 इंच का हो जाता है। भारत आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2014 में जब मैं आया इस सेवा के कार्य में, तब हम 10 नंबर पे थे। 10 नंबर ही नहीं कह रहा हूं, आज हम 5 नंबर पर पहुंच गए हैं। ये सब सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? दोस्तों, आज भारत 8% के रेट से ग्रो कर रहा है। इस स्पीड के साथ क्या होगा मैं बताऊं? बताऊं? आज हम 5 नंबर पे हैं, हम टॉप 3 में पहुंचेंगे। और साथियों, मैंने देशवासियों को कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में मैं देश को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लेके जाऊंगा। और ये बात मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ टॉप पर पहुंचने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। हमारा मिशन 2047 है। में देश आजाद हुआ, 2047 में देश शताब्दी मनाएगा। लेकिन वो शताब्दी विकसित भारत की शताब्दी होगी। भारत हर प्रकार से विकसित होगा। हम आने वाले 1000 वर्षों के भारत की मजबूत नींव आज डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत आज एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन में
अभूतपूर्व स्केल पर काम कर रहा है। 10 सालों में, यह आंकड़ा याद रखना जरा, 10 सालों में हर दिन एवरीडे 2 नए कॉलेज भारत में खुले हैं। आगे बताऊं, हर हफ्ते 1 नई यूनिवर्सिटी खुली है। पिछले साल हर दिन 250 से ज्यादा पेटेंट्स ग्रांट किए गए हैं। भारत आज दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज दुनिया का हर 10वां यूनिकॉर्न भारत में है। बाकी पूरी दुनिया में जितना रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन आज होता है, उतना अकेला भारत में होता है। हमारे पेमेंट्स डिजिटल है, हमारे प्रोसेस भी डिजिटल है। भारत लेस पेपर, लेस कैश, लेकिन सीमलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, आज भारत